आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतनी इज्जत मिली, इतनी दुआएं मिलती है, तो हम लोग आज इकट्ठे हैं। इसी तरह मुझे दुआओं में याद करे, प्यार करे। थैंक यू सो मच। ऐसे गिफ्ट भी देते रहे। आइंदा आने वाली लाइफ में इसके लिए खुशियों भरी जो है वो साबित हो और जल्दी जल्दी ये अपने घर की हो। अल्लाह पाक वाकई इसके नसीब अच्छे करे। मुझे यही खुशी है कि ये मेरी जो इनकी दोस्ती है मेरी हमेशा लामा कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में रावल होटल पे और मेरे साथ इस वक्त माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे सीनियर आर्टिस्ट राजस्तार साहब और सपना शाह फंदी मारी भाभी और मिस साइका और शीज़ा और मैम सना हमारे शोबिज़ के आर्टिस्ट लोग मौजूद हैं। बेसिकली आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं शीज़ा शाहिद, इनकी आज बर्थडे है। तो इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा चले आप लोगों के साथ गपशप भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बाबा जी, कैसे हैं आप? राय साहब, आज चूँकि हम शीज़ा की बर्थडे के हवाले से इकट्ठे हुए हैं तो शीज़ा को क्या आप बर्थडे मैसेज देंगे? यार शीज़ा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और शीज़ा माशाल्लाह जितनी खूबसूरत हैं ख़ुद से इतनी ही खूबसूरती इनके अखलाक में है, आजजी और इनकसारी इनमें है। बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और सीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं हमेशा, और माशाल्लाह माँ बेटी दोनों जो हैं वो बहुत प्यार करने वाली शख्सियात हैं। इसीलिए हम अपना टाइम निकाल के यहाँ इनके इवेंट में तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हम सब ने मिल के करनी है। हमारा एक हम एक फैमिली हैं और बड़ा मज़ा आता है। बाबा जी की भी बर्थडे थी तो बाबा जी ने शीज़ा ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी हैप्पी बर्थडे टू यू, आगे बाबा जी कहते सेम टू यू। जी राय साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और ये गपशप भी चलती रहेगी। सपना भाभी क्या कहेंगी आप, इतने अब शेड्यूल कोरोना ख़त्म हुआ है और शूटिंग शुरू हुई हैं और आज आपने भी टाइम निकाला, तो ज़ाहिर है शीज़ा से मोहब्बत आपकी ज़्यादा है तो टाइम निकाला। बर्थडे मैसेज आज क्या देंगे? बिल्कुल जी, शीज़ा से मोहब्बत है, प्यार है और दोस्ती है बहुत अच्छी इनकी मदर से भी और शीज़ा से भी, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह ताला शीज़ा को आइंदा आने वाली लाइफ में इसके लिए खुशियों भरी जो है वो साबित हो और जल्दी जल्दी ये अपने घर की हो। हमारी ये दुआ है कि आज इनकी जो है सालगिरह है, इस पे आए हैं और अल्लाह करे कि इसी साल हम इनकी शादी की वलीमा भी शादी और वलीमा भी खाएं। हाँ जी बिल्कुल जी, बात बड़ी अच्छी की है। मतलब गोश्त खा नहीं सकते, चावल ही होंगे। नहीं नहीं, मैं आराम भी खा लेना बाबा जी। क्यों नहीं खा सकते, उनके मुँह में दांत हैं सर। अच्छा जी, बात तो सुनिए ना, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि कोरोना जो है अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी है। हमें एहतियात के साथ जो है पार्टीज़ में आना चाहिए SOPs के साथ, और हैप्पी बर्थडे टू यू शीज़ा। थैंक यू व्यूअर्स, आपको पता है आज बाबा फंसा हुआ है आर्टिस्टों में, तो आज मेरी होनी है, तो चलो तुसी इंजॉय करो आज। फिर आपको तो रहने दूँ, आपने तो रहने की, मगर मुझे आपने भी जुगते ही मारनी है मेरे ऊपर, तो मैम साका को मेरा हल स्किप कर जाए। नहीं व्यूवर्स कह रहे हैं व्यूज। मुझे तो यही है कि बस मेरी बेटी के लिए दुआएं बहुत अच्छी लग रही हैं, अल्लाह पाक वाकई इसके नसीब अच्छे करे। मुझे यही खुशी है कि ये मेरी जो इनकी दोस्ती है मेरी हमेशा लामा कायम है। व्यूअर्स मैं भी चाहूँगा, राय साहब सपना भाभी हमारे सीनियर हैं हमारे साथ मौजूद है, आज आप हम सब ये दुआ भी करें कि अल्लाह सब की बेटियों को इज्जत के साथ अपने घरों वाली करे। राजा साहब नु फिर कोई आई हो, ये लो सर। नहीं वो बात क्योंकि सीरियस हो गई और थोड़ा सा मुझे क्योंकि माँ ने रिक्वेस्ट की है बेटी के दुआओं के लिए ना, तो हमारी सब की दुआएं आपकी बेटी के लिए हैं जी। अल्लाह का शुक्र है कि आप अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, सब माएँ केयर करती हैं। तो शर्त लगी थी दुनिया की खुशी को एक लफ्ज़ में लिखने की, शर्त लगी थी दुनिया की खुशी को एक लफ्ज़ में लिखने की,
वो किताबें ढूंढते रह गए और मैंने बेटी लिख दिया। बेटी इतनी प्यारी चीज़ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक सब बेटियों को सलामत रखे और अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। और खुसूसी तौर पे मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक शीज़ा जी को बहुत इज़्ज़तों से नवाजे, हमेशा इनके मुकद्दर में अमन और सुकून रहे और खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, कोई जुगत मार नहीं देते? नहीं नहीं, मैं सना को, सना। अच्छा जी, मैम सना के साथ मौजूद हैं जी, हमारी आर्टिस्ट भी हैं और माशाल्लाह खाने पीने के मामले भी ज़बरदस्त ही। तो आज केक भी दिखाना है शीज़ा के लिए। बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से और कॉन्ग्रेचुलेशन शीज़ा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, ऑल द बेस्ट। मैं मुख्तसर नहीं बोलूँगी, लेक्चर नहीं दूँगी, सॉरी टू से। अच्छा चले, सपना भाभी से भी बात करेंगे और आज क्या होगा यहाँ पे हमारे साथ वो भी देखेंगे। शीज़ा जी, प्यारी शीज़ा, हम सब की लाडली, हर दिल अजीज़, क्यूट शीज़ा, आज शीज़ा की बर्थडे है जी। शीज़ा, अब बोल टीवी ऑफिशियल की तरफ से आपको बहुत बहुत बर्थडे विशेज, बहुत सारी मुबारकबाद। और जैसा कि आज हम सब ने दुआ की है तो अल्लाह इस साल में हम दुआ करेंगे कि आपका घर भी आबाद हो जाए। तो कुछ आप आज आपके ये जो गेस्ट आए हैं इनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं जितने मैंने गेस्ट बुलाए हैं और जितने मेरे गेस्ट आए हैं, मैं सब इन सब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, और ख़ास तौर पे आपकी भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिला, इतनी इज़्ज़त मिली, इतनी दुआएं मिलती है, तो हम लोग आज इकट्ठे हैं, इसी तरह मुझे दुआओं में याद करें, प्यार करें। थैंक यू सो मच, ऐसे गिफ्ट भी देते रहे, ऐसा प्यार भी देते रहे। थैंक यू इंशाल्लाह, फैमिली सही बात जी। ये व्यूअर सब लोग जो हैं इस वक्त हाल फुल हुआ है और ये सब लोग शीज़ा से कह रहे हैं कि भाई बस अब आप जल्दी से शादी करो तो हम आपको बड़े बड़े गिफ्ट दें। तो आप भी दुआ करें व्यूअर्स, अल्लाह पाक हमारी शहजादी का घर आबाद करे। और आखिर सबको पिया घर जाना होता है भाभी, तुसी ते फंदी शाह साहब नू नाल लै आए शो विजिट? नहीं, मैं नहीं लेकर आई थी, वो मुझे लेकर आए हैं शोबीज़ में। और दुआ करें अल्लाह ताला हमारी जोड़ी को भी इसी तरह सलामत रखे और हम लोग अपने घर में इसी तरह हंसते खेलते आबाद रहें। और अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, ज़िंदगी दे, क्योंकि आप हमारी इतनी अच्छी अच्छी पिक्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी, तो इसीलिए हम आपकी सेहत के लिए भी दुआ करते हैं। हम एज नहीं बताएँगे, सपना भाभी और अफंदी शाह साहब हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद का माशाल्लाह वो कपल है कि इनकी शादी को बरसों हो गए और बड़ी खुशहाल और बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है। और अक्सर जब ट्रैवलिंग के दौरान भाभी का घर रास्ते में हो तो मैं चाय पीने ज़रूर घर जाता होता हूँ। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि हम दोनों को बिठा के शाह जी अपने हाथों से चाय बना के हमें पिलाते हैं। तो शाह जी आपका भी थैंक यू। सच्ची बातें नहीं करनी, सच्ची बात फ़र्क। शाह जी ने कभी आज तक चाय नहीं बनाई, सर्दियों वाली भूल गई, सर्दियों वाली याद करें जो सर्दी में मैं और रुश्दी आए थे, वो ने बनाई थी ना, मुझे याद है अभी। आप वैसे अपने मियाँ को वो कर रही हैं, वो काम करते हैं, तुसी टेंशन ना लिया करो, करा सारे मर्द इसी तरह ही होते हैं। अच्छा जी, फरुख हमारे साथ समा के हमारे नुमाइंदे भी हैं अटक के और जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और क्यूट, और आज शीज़ा ने स्पेशली इनको बुलाया। तो आज मैं फरुख बाकी बातों से हट से ये कहूँगा कि बर्थडे विशेज़ आप क्या करेंगे? बर्थडे विशेज़ बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं शीज़ा के लिए। इतने प्यार से इसने बुलाया, जब इसने बुलाया मैं दौड़ता हुआ आया, लेकिन ये आगे लेट थी, फिर भी मुझे समझ में आया कि इसने आना लेट ही है और हमें बातें सुनानी है, और वैसा ही हुआ हुआ और आगे भी चले। वो तो खैर हमसे छोटी है ना। बहुत सारी इसके लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं हमेशा इसके साथ है। थैंक यू सो मच शीज़ा। शेख इधर आओ भाई, शेख नवीद जी हमारे साथ, हमारा बहुत प्यारा बेटा और इतना अच्छा आर्टिस्ट है माशाल्लाह, और बड़ा मेहनती है। तो ये कैसे हो सकता है कि सईद अली बाबा आपसे मुखातिब हो और शेख नवीद से विशेज ना लिए जाएं? शेख आज हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि आज का दिन शीज़ा का है, तो शीज़ा को आप क्या बर्थडे विशेज करेंगे? शीज़ा के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं, अल्लाह पाक इसी तरह हंसा मुस्कुराते रखें। एक शेर में अपनी जो है गुफ्तगू समेटूँगा, मुस्कुराहट जुदा ना करना कभी अपने होंठों से, शीज़ा मुस्कुराहट जुदा ना करना कभी अपने होंठों से, मासूम सा चेहरा है, उदास हो तो अच्छा नहीं लगता। जबरदस्त जी,
और व्यूअर्स गप शप का सिलसिला जारी रहेगा। सपना भाभी को ज़रा सा रोका था, सपना भाभी केक तो होगा, आप भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाता, तो बाकी मतलब है क्या पोजीशन है, कुछ खाना शाना खा के आई हैं घर से या? लो भाई, शीजा की बर्थडे और मैं खाना घर से खा के, क्यों भाई? शीजा की बर्थडे पे बहुत अच्छी अच्छी डिशेज हैं, ये सरप्राइज़ है। अच्छा, मेरे ऊपर राजा साहब ने दो तीन झुकते मारी हैं, तो मेरी तरफ से एक जवाब आप भी दे देना। किनको? राजा साहब को। देखिए मेरी फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। राय साहब, सपना भाभी कह रही है तुहाड़ा मुंह बिल्कुल इंजे जिन ट्रक तले आगे करेला फिसे आंदे, मैं नहीं कह रहा, आप कह रही है ना? हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से सतार भाई माजरत के साथ। मैनू फिर कान इंज कह रहे ने राय सतार साहब दे कान इंज ने जिन कड़ाई दे कुंडे होंदे ने नक कह रहे ने नक इस तरह में जिन सड़िया पकौड़ा होंदा। अच्छा चलो बात ही कर सकते, विवाद हमारे साथ रहिएगा और आपको इस तकरीब हम इस तकरीब की दीगर सूरत हवाल भी दिखाएंगे और सारा शुगल मेला आप देखेंगे, इंजॉय करते रहे। आप बोल टीवी ऑफिशियल।